द बेकिंग स्टूडियो बाय सोनी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए लेमन कर्ड केक की रेसिपी। लेमन कर्ड की रेसिपी तो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो आइए देखते हैं लेमन कर्ड के डिलीशियस टेस्ट के साथ हम केक को कैसे बनाते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्द से सब्सक्राइब कर दें, और ढेर सारी मेरी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लेमन कर्ड यूज़ किया है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसे मैं फिलिंग के रूप में यूज़ करूँगी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है व्हिप क्रीम अप्रॉक्स 1 कप, और एक मैं 6 इंच केक टिन में बना हुआ वनीला केक ले रही हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शुगर सिरप ले रही हूँ। सबसे पहले हम एक केक बोर्ड लेंगे, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर वनीला केक स्पॉन्ज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी केक है, जिसकी रेसिपी पहले से ही मेरे चैनल पे अवेलेबल है। साथ ही साथ मैंने व्हिप क्रीम को व्हिप करके एक पैकिंग बैग में भर लिया है, और लेमन कर्ड को भी भर लिया है, और साथ ही साथ हम शुगर सिरप भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपने केक को असेंबल करने के लिए थोड़ा सा क्रीम हम अपने केक बोर्ड के ऊपर लगाएंगे, और उसके ऊपर हम अपने केक के एक स्पॉन्ज को अरेंज करेंगे। और जो शुगर सिरप हमने बना करके रखा है, जिसमें मैंने थोड़ा सा लेमन भी ऐड किया है, और शुगर और पानी का ये मिक्सचर है, उससे हम अपने केक स्पॉन्ज को अच्छे से सोक करेंगे। इसके ऊपर हम व्हिप क्रीम को अप्लाई करेंगे, जिसे मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया था, और इसे हम अपने केक स्पॉन्ज के चारों ओर अच्छे से लगा लेंगे। ऑफसेट स्पैचुला की हेल्प से हम इसे फैला भी लेंगे। एक साथ जब हमारा क्रीम हो जाएगा, तो हम इसके ऊपर फिर से एक साइड में एक लेयर की तरह, एक बॉर्डर की तरह व्हिप क्रीम को लगाएंगे, जिसके अंदर हम अपने लेमन कर्ड को फिल करेंगे। मैं यहाँ पर डबल लाइन बना ले रही हूँ केक के क्रीम का, जिसके अंदर मैं लेमन कर्ड को फिल करूँगी। लेमन कर्ड को भी मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग में भर लिया है, जिससे इसे अप्लाई करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। इसे भी हम अंदर में अच्छे से एक लेबल में फिल कर लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आता है, और केक में खासकर मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब हम ऑफसेट स्पैचुला की हेल्प से इसे प्लेन कर लेंगे, और फिर हम इसके ऊपर केक स्पॉन्ज का दूसरा लेयर अप्लाई करेंगे। आज मैं आपको लेमन कर्ड केक बनाने के साथ साथ एक एलिगेंट सा डेकोरेशन भी इसके साथ दिखाने वाली हूँ, जिससे आपकी केक की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। अब मैं सेकेंड स्पॉन्ज के ऊपर भी शुगर सिरप से इसे सोक कर रही हूँ। सोकिंग बहुत ही ज़रूरी है, जिससे जो हमारा केक है वो काफ़ी मॉइस्ट बनता है। अब हम फिर से इसके ऊपर क्रीम को अप्लाई करेंगे, ऑफसेट स्पैचुला की हेल्प से इसे प्लेन करेंगे, और फिर एक क्रीम की बॉर्डर बना करके उसके अंदर लेमन कर्ड को फिल करेंगे। इस प्रोसेस से जो हमारा लेमन कर्ड है वो पूरी तरह से अंदर सेटल डाउन हो जाता है, और जब हम इसे कट करेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा लेमन कर्ड का लेयरिंग मुझे नज़र भी आएगा इस केक के अंदर, जो कि अंदर से भी इस केक को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। अच्छे से लेमन कर्ड को मैंने इसमें फिल कर दिया है, और ऑफसेट स्पैचुला की हेल्प से हम इसे फिर से प्लेन कर लेंगे, और सबसे लास्ट में हम इसकी फाइनल लेयरिंग लगा लेंगे, और इसे भी हम शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। और फिर जैसा कि हम सारे केक में करते हैं, इसकी हम एक बेस कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग करने से जो हमारा केक है उसकी जब फाइनल लेयरिंग होती है, तो बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग हमारे केक को मिलती है। तो पहले हम केक की क्रम कोटिंग करेंगे, फिर उसे रेफ्रिजरेटर में अप्रॉक्स 1/2 आवर के लिए चिल करेंगे, और फिर हम इसकी फाइनल कोटिंग करेंगे। रफली मैं केक को चारों तरफ से कवर कर ले रही हूँ। एक बहुत ही थिन लेयर मैं अभी क्रीम की इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, और फिर मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। हमारा जो केक है वो क्रम कोट होकर के रेडी हो गया है, अब हम इसे फ्रिज में छोड़ देंगे। थर्टी मिनट्स के बाद हमारा जो क्रम कोट है वो अच्छे से सेट हो गया है, अब हम इसकी फाइनल कोटिंग करेंगे। इसके लिए हम फिर से इसके ऊपर व्हिप क्रीम को अप्लाई करेंगे, और उसकी एक स्मूथ सी फिनिशिंग भी करेंगे। मैंने अपने केक्स में काफ़ी टाइम दिखाया है कि हम इसकी स्मूथ फिनिशिंग कैसे करते हैं। अब बाहर से अंदर की ओर खींचते हुए ऑफसेट स्पैचुला की हेल्प से हम
बहुत ही अच्छा सा परफेक्शन वाला लुक अपने केक को दे देंगे। और इस तरह से हमारी ये फाइनल कोटिंग रेडी हो जाएगी। अब ये आपका कैनवस रेडी हो गया है। अब आप इसे जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए मैं ब्रश की सहायता से इसके ऊपर पैटर्न बना रही हूँ। ये पूरे केक के ऊपर मैंने बना दिया है और व्हिप क्रीम में मैंने थोड़ा सा येलो कलर मिक्स करके मैं इसके ऊपर थोड़ी सी येलो कवरिंग कर रही हूँ। पूरे केक में नहीं करूँगी, बस थोड़ी सी अप्रॉक्स 1/3 पार्ट मैं इसे कवर करूँगी और फिर मैं इसे एक बहुत ही खूबसूरत सा लुक दूंगी। अब हम इसे प्लेन करेंगे। ऊपर वाले पार्ट को हम थोड़ा अनइवन सा ही रखेंगे, येलो पार्ट को, और फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा गोल्ड टच देंगे। इसके लिए मैंने लस्टर डस्ट को इवोपोरिक्स के साथ डाइल्यूट करके मिक्स कर लिया है और उससे हम ब्रश की सहायता से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और चारों तरफ हम एक बॉर्डर लाइन क्रिएट कर लेंगे, जिससे ये जो हमारा केक है वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगा। केक के चारों तरफ से एक गोल्डन बॉर्डर की तरह क्रिएट हो गया है, जो हमारे केक के लुक को बहुत ही इन्हेंस कर दे रहा है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर केक पॉप यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई मार्केट बॉट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर जो मैंने केक पॉप बनाया था उसे मैंने लस्टर डस्ट से कलर करके इसके ऊपर रख दिया है। मैं एक साइड में इन केक पॉप को रख रही हूँ, जिससे जो हमारा केक है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इसे एक दूसरे के ऊपर स्टैक करने के लिए मैं थोड़ा सा लिक्विड चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ स्टैक कर जाएंगे और हमारे केक के ऊपर आराम से बने रहेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर 50 जो हमारा नंबर है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये 50 ईयर्स का केक है, 50 ईयर बर्थडे का केक मैं बना रही हूँ। इस तरह से आप कोई भी नंबर इसमें यूज़ कर सकते हैं और अपने केक को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके बना सकते हैं। मैं इसे आज 50 का नंबर के साथ बना रही हूँ। तो रेडी है ये हमारा डिलीशियस लेमन कर्ड केक और साथ ही साथ ये खूबसूरत सा डेकोरेशन भी। तो ज़रूर से मेरे चैनल को यूं ही देखते रहे, अपना सपोर्ट दे, इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।